मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। आज दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं हिंदी शिक्षण विधियों की कक्षा। कल हमने पद्य शिक्षण के अंदर माध्यमिक स्तर की जो विधियां हैं दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि देख ली थी। आज हम चर्चा करेंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर तीन विधियों की, व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि पर। दोस्तों इससे पहले भी हमने प्राथमिक स्तर की विधियाँ देख ली है, गीत, अभिनय और आपके रसास्वादन। आपने ये वीडियो नहीं देखे तो हमारी हिंदी टीचिंग मेथड के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको हमारे द्वारा जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं टीचिंग मेथड पर वो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो सबसे पहले देखो व्यास विधि। व्यास का शाब्दिक अर्थ है कथावाचक, यानी जब भी हम कहीं पर भी कथा सुनने जाते हैं, भागवत कथा है, रामायण है, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, व्यासपीठ पर आसीन है यह है। तो दोस्तों व्यास का अर्थ होता है कथावाचक, जो व्यासपीठ आसीन होते हैं यानी व्यासपीठ पर, यानी वहाँ पर जो बैठते हैं उनको व्यास कहते हैं, यानी व्यासपीठ, और वह व्यास क्या कहलाते हैं दोस्तों, कथावाचक। व्यास का विलोम होता है समास। अगर व्यास का अगर कभी आपको ये पूछ लें कि इसका विलोम क्या होता है, तो दोस्तों इसका विलोम होता है समास। अब देखो व्यास विधि में स्पष्ट सी बात है, जब शिक्षक कविता पढ़ाते समय कथावाचक की तरह दृष्टांत प्रस्तुत करता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी शिक्षक कोई भी कविता पढ़ा रहा है उस समय वह कथावाचक, जैसे भागवत कथावाचक जिस प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उस कथा से मिलते जुलते, उसी प्रकार जब शिक्षक उसी प्रकार के मिलते जुलते उस कविता के उदाहरण प्रस्तुत करे, दृष्टांत प्रस्तुत करे, तो वह किस विधि में आएगा दोस्तों, वह आपके व्यास विधि में आएगा। किस विधि में? व्यास विधि में। दूसरी विधि की बात करते हैं तुलना विधि। कविता को पढ़ाते समय उसके समान कविता से भावों के माध्यम से तुलना करना। सपोज दैट कि एक जो शिक्षक है वो कोई कविता पढ़ा रहे, उससे मिलती जुलती उसे कोई कविता याद आती है, तो वह दोनों कविताओं के मध्य बीच में भावों के माध्यम से, यानी उनके भावों के माध्यम से क्या करेगा दोस्तों, तुलना करेगा, कंपेरिजम करेगा कि यह कविता और यह कविता कैसी है, दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं हैं। यह समानता या यह तुलना करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, ये दोस्तों तुलना विधि कहलाती है। तुलना तीन प्रकार से कर सकता है, एक ही कवि की अनेक कविताओं में तुलना, यानी जैसे दुष्यंत की है या रामधारी सिंह दिनकर की जो भी कविता है, एक कविता रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के आपस में अलग अलग कविताओं की तुलना करना, एक ही साहित्य के अनेक कवियों में तुलना करना, यानी एक ही साहित्य के जो कवि हैं उनकी आपस में तुलना करना, रामधारी सिंह दिनकर की तुलना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या आपके सुमित्रानंदन पंत, इस प्रकार उनकी अलग अलग तुलना करना। फिर है अलग अलग साहित्यों के अन्य कवियों से तुलना करना, यानी साहित्य उनका अलग अलग हो उनके अवसर में तुलना करना। फिर बात करते हैं समीक्षा विधि की, सम प्लस इच्छा। ये सम प्लस इच्छा यानी ए ई से मिलकर बना है समीक्षा, सम प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद होगा समीक्षा, सम प्लस इच्छा, ये संधि विच्छेद संयोग है। अब देखो इसके अंदर आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, समीक्षा कैसे करेंगे, विषय वस्तु के दोषों की विवेचना, जो भी विषय वस्तु है उसके दोषों की हम विवेचना करेंगे, विषय वस्तु के गुण दोषों की विवेचना करेंगे, यानी जो भी विषय वस्तु है उसके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है उनकी विवेचना करेंगे, और गुण दोषों के साथ उनके भाव में, यानी क्या भाव है, क्या भाव प्रकट हो रहा है, ये हमें उसके अंदर देखेंगे। तो दोस्तों एक बार दोबारा देख लो, व्यास विधि में आपके आएंगे दृष्टांत, तुलना विधि में आएंगे दो कविताओं की तुलना, और समीक्षा में आएंगे गुण दोषों की विवेचना। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी जानकारी इम्प्रूवमेंट हुई है शिक्षण विधि के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आप सब घरों में रहें, स्वस्थ रहें।